मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं अकोला में, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा हॉस्पिटल है खुद का, केड़कर हॉस्पिटल, रामदास पेट, अकोला में, और मैं एज अ सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्पोर्टेंस, जिसको नपुंसकता भी बोलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली है क्या? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब जो पेनिस है, जो लिंग है, उसको 100% ताठरता न आना और सामने वाले व्यक्ति को और खुद को सेटिस्फेक्शन न मिलना, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर इरेक्शन बराबर न हो तो उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन काफी प्रकार के हैं। एक होता है जिसमें 100% डिसफंक्शन होता है, और एक होता है पार्शियल, जिसमें थोड़ा बहुत इरेक्शन तो होता है लेकिन पूरी तरह इरेक्शन नहीं हो पाता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड या लाइफ लॉन्ग। एक्वायर्ड मतलब जो पहले तो पेशेंट, जो व्यक्ति है, वो अच्छे तरह इरेक्शन उसको होता था लेकिन धीरे धीरे उसका इरेक्शन कम होने लगा। और सेकेंड है लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग मतलब पहले से ही, जब से इरेक्शन की शुरुआत होनी चाहिए तभी से इरेक्शन आ रहा नहीं है पेशेंट को, उसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग। दूसरा क्लासिफिकेशन है सिचुएशनल और जनरलाइज्ड। सिचुएशनल मतलब कोई कोई सिचुएशंस में ही उस व्यक्ति को इरेक्शन आता नहीं है, और जनरलाइज मतलब वो व्यक्ति को हर सिचुएशन में इरेक्शन आता नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता, इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है साइकोलॉजिकल, जिसमें एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोसिस, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल मतलब साइकैट्रिक बीमारियां है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, नपुंसकता आती है। तो जब हम पेशेंट देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ढूंढना कि उसको ये इरेक्शन का प्रॉब्लम आया क्यों है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉज जो मैंने बताया वो है साइकोलॉजिकल, ये अंडरलाइंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जैसे डायबिटीज होना पेशेंट को ब्लड प्रेशर होना, अल्कोहल, तंबाकू या सिगरेट ज्यादा पीना, कोई ऑपरेशंस अगर पेशेंट पे किए हैं तो उसके कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन किया है, या अगर पेशेंट को कोई इंजरी हुई है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, या अगर पेशेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लिए हैं, मेडिसिन लिए हैं, जैसे हमारे साइकेट्री के ड्रग्स बहुत ज्यादा लिए हैं, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। इरेक्शन का प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले के जमाने में भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता था, अभी के जमाने भी इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में उतना अवेयरनेस नहीं था, लोग ये प्रॉब्लम जो है अपने आप में रखते थे, ज़्यादा डिस्कस करते नहीं थे, डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, तो उनका ये प्रॉब्लम धीरे 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 कंटिन्यू रहता था और जिंदगी भर ये प्रॉब्लम रहता था। लेकिन आजकल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लोगों को ध्यान में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकता है अगर हम सेक्सोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके हमारी प्रॉब्लम बताएं तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसका आजकल अवेयरनेस होने के कारण जो लेडीज है उनको भी तकलीफ होने लगी है, उनको भी ध्यान में आने लगा है कि पेशेंट ने दवाई लेनी चाहिए, पेशेंट ने कंसल्टेशन लेना चाहिए। बहुत सारे गाँव में भुंदू बाबा होते हैं, क्वैक्स होते हैं, वैद्य होते हैं, जो बोलते हैं कि हम ये पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, हम मंत्र देंगे, हम जड़ी बूटी देंगे, लेकिन मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। अपना अपना साइंस है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये विद्या से, ये जो जड़ी बूटी है, इससे इरेक्शन प्रॉब्लम ठीक हो नहीं सकता। मैं बता रहा था कि इम्पैक्ट क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या नपुंसकता का, इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा है। एक तो खुद पे इसका इम्पैक्ट होता है, पेशेंट को टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, पेशेंट अच्छे से काम नहीं कर सकता, अपने धंधे पे ध्यान नहीं दे सकता, अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता, अपने करियर पे ध्यान नहीं सकता, पेशेंट का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। सामने वाली पार्टी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो इमोशनल रिलेशनशिप है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अपने बच्चों पे और पेरेंट्स पे भी डिस्टर्ब इसका इफेक्ट दिखने लगता है। मेरा मतलब है कि पूरी फैमिली इरेक्शन डिसफंक्शन के वजह से प्रॉब्लम पूरे फैमिली में हो जाता है, इसलिए नपुंसकता का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अब हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पेशेंट का काउंसलिंग करना और रीएश्योरेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीएश्योरेंस मतलब पेशेंट को बताना कि हाँ ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग है हमारे पास, जैसे हिप्नोटिज्म है, हिप्नोथेरेपी है, डिसेंसिटाइजेशन है, ग्रुप थेरेपी है, साइकोथेरेपी है। ऐसे अलग अलग प्रकार के तरीकों से, टेक्निक से हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। हम वैक्यूम पंप भी यूज़ करते हैं, वैक्यूम पंप से हम निगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं और पेशेंट को इरेक्शन लाते हैं, तो वो भी हम ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन्स। अलग अलग प्रकार की जो मेडिसिन्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। हालांकि मेडिसिन्स ओवर द काउंटर, यानी मैं अगर मेडिकल में गया और मैंने बोला मुझे दवाई दे दो, तो ऐसी दवाई लेना हानिकारक है, क्योंकि जो फार्मा वाले जो है लोग, वो बराबर दवाई देने का उनको हक नहीं है। तो फार्मा वालों को, वालों से दवाई लेना और वो लेना, ये बहुत अच्छी सुपरवाइज्ड चीज़ नहीं है। लेकिन हम दवाई देते हैं, हम सुपरवाइज मेडिकेशन देते हैं, ये देख के कि पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, तो उससे पेशेंट को अच्छा लगता है, उससे पेशेंट ठीक हो सकता है। तो ऐसे प्रकार से आपका जो प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इसमें अमीर गरीब, अच्छा बुरा, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ऐसा कोई भी नहीं है। ये प्रॉब्लम सभी को हो सकता है, मुझे आपको सभी को हो सकता है ये प्रॉब्लम। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइए। मैं केड़कर हॉस्पिटल में रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ अकोला में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको आपका नंबर भी दूंगा, आप मुझे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।